वेलकम बैक पीएचएमई टू द चैनल, जहाँ पे गाइस आप सभी का स्वागत है पोकेमोन रेड एंड ब्लू सीक्वल के एपिसोड नंबर 5 में। और गाइस आज के इस एपिसोड के अंदर भाई अपन को बैटल करना है एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार चैंपियंस है, और उन सभी चैंपियंस के पास भाई खतरनाक मेगा इवोल्यूशन भी और साथ ही साथ लेजेंडरी पोकेमोन्स भी है भाई। और भाई आपको जेन 8 के भी लेजेंडरी पोकेमोन्स देखने को मिलने वाले हैं आज की कुछ बैटल्स में, तो भाई तैयार रहो। बाकी भाई अपन को बैटल करना है सिनो के सभी जिम लीडर से, सिनो के इलाइट फोर्स से, और सिनो के अंदर जो बैटल फ्रंटियर है भाई उसके सभी मेंबर से भी भाई बैटल करना है। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एपिसोड होने वाला है, बिकॉज इस एपिसोड की जो जर्नी अपन लोग करने वाले उसके अंदर भाई हमें काफ़ी सारे बैटल्स करना है भाई। और गाइस अगर आप सभी लोग ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला भाई। ऐसे और भी धमाकेदार गेम प्ले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके फॉलो भी कर लो। और अगर आप लोगों को पोकेमोन के गेम्स और भी खेलने मेरे साथ तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, बिकॉज वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पोकेमोन के गेम्स मिलते रहेंगे। और चलो भाई करते हैं आज के इस एपिसोड को शुरू। यहाँ पे गेम की स्टार्टिंग में भाई सबसे पहले मैं फ्लाई करके आ गया वो मिलियन सिटी, और फिर वहाँ से सिप लेके मैं आ गया भाई सीधा सीधा आइलैंड नंबर 4 पे। फिर यहाँ पे इस लड़की को भाई मैंने अपना वो रिलिक आइटम दिखाया, उसके बाद यहाँ पे मुझे एस कश मिला जो कि भाई मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। इसको ये भूल गया भाई कि विक्ट्री रोड के पहले हम लोग ने बैटल किया था, इसने मतलब हड़ाहड़ झूठ बोल दिया कि मुझे जानता ही नहीं, मुझे पहचान नहीं पा रहा है। बाकी फिर हम लोग का बैटल स्टार्ट हुआ, इसका पिकाचू था भाई जिसको मैंने एक अर्थक्वेक मारा, और एक ही अर्थक्वेक में भाई उसका पिकाचू फेंट हो गया। एंड उसके बाद आया इसका टोटेरा जिसको भाई मैंने एक आइस भी मारा और ये फेंट हो बच्चा। फिर उसने हुड हैमर मार के मैंने नीडू किंग को फेंट कर दिया, साथ में ये खुद भी फेंट हो गया। फिर भाई इसका फ्लूड जो लाया जिसके खिलाफ मैंने अपना राइचू भेज दिया, और आती ही उसने भाई वाटरफॉल खा लिया जिससे उसका एचपी काफी कम हो गया। फिर भाई मैंने थंडर किया, बट उससे पहले उसने एक्वाजेट मार के मेरे पिकाचू को फेंट किया। फिर मैंने मैच गेस से थंडर अटैक कराया और उसका फ्लूड जेल 1 किया हुआ। फिर आया गार्चम जिसके ऊपर भाई मैंने डेजिलिक मीम मतलब कि फेरी टाइप का जी मूव किया भाई, फेरी टाइप जी मूव वो किया मैंने, और उसने गार्चम को मेगा इवॉल्व भी कर लिया। बट जैसे ही मेरा उसको अटैक लगा भाई उसके सिट्टी पिट्टी गुल गई और एक ही अटैक में फेंट हो गया। फिर आया भाई उसका इन्फर्निप जिसको मैंने भाई अपने ग्लासगो से एक्रोबेटिक्स मार के एक ही अटैक में फेंट कर दिया। फिर भाई उसका स्टेरेप्टर आया भाई जिसके खिलाफ मेरा मैजिकस तैयार था, और आते ही भाई उसने थंडर अटैक जड़ दिया जिससे स्टेरेप्टर एक ही अटैक में फेंट हो गया। इसी तरीके से भाई मैंने एस कचम को कराया। फिर मैंने अपने पोकेमोन्स को भाई हील कर लिए क्योंकि यहाँ पे जिम लीडर वॉकनर से बैटल होने वाली थी, और वॉकनर ने मेरे को बोला भाई कि प्रोफेसर ओक ने सिंथिया से हेल्प मांगी थी कि कांटो के अंदर जो चल रहा है वो सब आके थोड़ा देख ले। फिर सिंथिया ने भाई जिम सारे जिम लीडर्स को बोला कि चलो हम कांटो चलेंगे, और सारे जिम सभी क्लोज है और सारे जिम लीडर यहाँ पे हेल्प करने आए। तो आगे हम लोग का भाई और भी जिम लीडर से बैटल होगा, अभी फिलहाल हमारा स्टार्टिंग वॉकनर से हुआ है। तो उसका पहला पोकेमोन था भाई इलेक्टिवायर जिसके खिलाफ भाई मैंने अपना किया शॉर्ट डांस। फिर उसने आइस पंच मारा जिससे ग्लासगोर की हालत खराब हो गई। फिर मैंने अर्थक्वेक मार के भाई उसके इलेक्टिवायर को पूरा ही खराब कर दिया। फिर रोटमोजन 4 आया जिसको मैंने एक्रोबेटिक्स मारा। फिर उसने हाइड्रोबम मार के भाई अपना ग्लासगोर फेंट कर दिया। फिर मैंने मैजिकस भेजा जिससे मैंने एनर्जी बॉल करवाया, और एनर्जी बॉल से रोटमोजन 4 फेंट हो गया। फिर मैंने आर्कनाइन भेजा भाई और उसका आया मैग्नीजोन भाई एयर बलून से हवी में इसको अर्थक्वेक नहीं लगेगा। फिर मैंने उसको भाई फ्लेम थ्रो मारा जिससे वो 1 HP भी बच गया। फिर उसने ट्राई अटैक मारा मेरे आर्कनाइन को जिसको उसको ठीक ठाक डैमेज पड़ा। फिर एक्सट्रीम स्पीड लगने के बाद भाई मैग्नीजोन पूरा फेंट हो गया। एंड देन फिर आया भाई उसका लक्सरे जिसके खिलाफ मैंने अपने नीडोकिंग भेज दिया था। फिर मैंने अर्थक्वेक मारा भाई, अर्थक्वेक से भाई यहाँ पे लक्सरे फेंट होते होते बच गया भाई। फिर उसने बच के क्रंच मारा जिससे नीडोकिंग की आधी HP खत्म हो गई। फिर एक और अर्थक्वेक से मैंने उसको फेंट कर दिया। फिर यहाँ पे मैनेट्रिक आया भाई, मैनेट्रिक को मेगा इवोल्व कर दिया भाई, मेगा मैनेट्रिक बन गया। फिर मेगा मैनेट्रिक को मैंने सोचा भाई इसको तो छोड़ेंगे नहीं, बट उससे पहले उसने ओवर हीट मार दिया जिससे मेरा नीडोकिंग फेंट हो गया। मैं बोला भाई इसको छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने अपना आर्कनाइन भेजा, आर्कनाइन आते ही थंडरबोल्ट खा लिया। फिर मैंने उसको ड्रैगन पल्स मारा जिससे उसको ठीक ठाक एकदम नॉमिनल डैमेज पड़ा भाई, ज़्यादा नहीं। फिर एक्सट्रीम स्पीड से काफ़ी तगड़ा वाला डैमेज पड़ गया, बट उसने सिग्नल भी मारा जिससे कोई डैमेज नहीं पड़ा ज़्यादा। फिर मैंने एक और एक्सट्रीम स्पीड मारा, उसका मेगा मैनेट्रिक फेंट हो गया। फिर आया थंडरस, थंडरस के ऊपर भी मैंने भाई आते ही एक्सट्रीम स्पीड जड़ दिया, उसका भी ठीक ठाक का काफ़ी बढ़िया डैमेज पड़ा। फिर उसने डार्क पल्स से भाई आर्कनाइन को फेंट किया। फिर मैंने अपना राइचू भेजा, मैंने राइचू से ब्रिक ब्रेक करवाया, बट उसको एक डार्क पल्स लगा जिससे काफ़ी गंदा वाला डैमेज पड़ेगा भाई उसको। फिर मैंने एक सर्फ अटैक किया जिससे उसको काफी अच्छा डैमेज पड़ा। फिर डार्क पल से भाई राइचू फेंट हो गया। फिर मैंने मैजिकस से भाई फेरी टाइप वाला रिमूव करवाया जिससे भाई उसको मतलब ट्विंकल टैकल नाम है भाई उसका, काफी अच्छा अटैक होता है, और वो थंडरस फेंट हो गया। फिर भाई यहाँ पे एक और जिम लीडर से मिला, अपने पोकेन वगैरह सब मैंने हील करा लिया, उसे मैंने कट कर दिया जिसका नाम था गार्डिना। ये इस जिम लीडर का नाम गार्डिना था, और इसका पहला पोकेन रोजेट था जिसको मैंने एक्रोबेटिक्स मारा भाई, एंड इसका रोजेट फेंट हो गया। फिर आया रोटमोजन, ये कौन सा वर्जन है, इसने मेरे को लिफ्ट मारा, रोटमोजन 2 ग्रास और इलेक्ट्रिक, इसने लिफ्ट मारा। फिर मैंने एक्रोबेटिक्स मारा, फिर इसने लिफ्ट मारा भाई जिससे मेरा
क्लाइस को पूरा फेंट हो गया, मेरा दिमाग खराब हुआ। फिर मैंने आर्कनाइन भेजा, मैंने इसको जला के भस्म करने का पूरा प्लान बनाया था, बट उससे पहले उसने लीफ स्टॉर्म मारा, फिर मैंने फ्लेम थ्रोर मारा जिससे भाई ये जल के भस्म हो गया और फेंट भी हो गया। फिर टॉर्टेरा को भी मैंने एक फ्लेम थ्रोर मारा बट वो फेंट नहीं हुआ भाई। फिर उसने एक हुडहैमर मारा जिससे ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, बट एक और फ्लेम थ्रोर से मैंने उसके टॉर्टेरा को फेंट कर दिया। फिर टैंगरोथ आया, उसको भी मैंने फ्लेम थ्रोर मारा भाई, एंड वो तो एक ही अटैक में फेंट हो गया। फिर यहाँ पे बेलॉसम आया भाई, उसको भी मैंने एक फ्लेम थ्रोर जड़ दिया बट ये फेंट नहीं हुआ भाई। ये देखिए मैं सॉफ्ट हो गया। फिर उसने स्लज वो मार के मेरे आर्कनाइन को डैमेज दिया, पॉइजन भी कर दिया। मैंने एक और फ्लेम थ्रोर से उसको जला के भस्म कर दिया। फिर यहाँ पे आया भाई फाइनली इसका विनसॉर, जो कि मेगा इवॉल्व विनसॉर है भाई। आते उसने मेगा इवॉल्व कर लिया बट मैंने ज़्यादा भाई देखा नहीं, मैंने फ्लेम थ्रोर मारा। फिर उसने स्लज वो मार के मेरे आर्कनाइन को फेंट कर दिया। फिर मैंने टैलेंट फ्लेम भेजा, टैलेंट फ्लेम से मैंने फ्लाई कराया, एंड जैसे उसको फ्लाई लगा भाई वो फेंट होते होते भाई कुछ 5-10 एचपी बच गया और उसने स्लज वो मार दिया। मैंने बोला इस बार इसको एक्रोबेटिक्स से खत्म कर दो, खत्म भी हो गया। इसी तरह मैंने जिम लीडर गार्डिना को हराया। फिर मैंने हील व्हील करा के भाई इस जिम लीडर के पास आ गया जिसका नाम था भाई फैंटीना, एंड फैंटीना को जानते होगे आप लोग। इसका पहला पोकेमॉन था ड्रिफ्लिम जिसको मैंने एक्रोबेटिक्स मारा भाई अपने ग्लासगोर से। फिर उसने ओमनीवर्स वीड मारा जो कि शायद गोस्ट टाइप अटैक है मेरे ख्याल से। फिर मैंने एक और एक्रोबेटिक्स मारा और इसका ड्रिफ्लिम फेंट हो गया। फिर मैंने मिगमैजिकस भेजा भाई, उसका है स्पिरिटॉम काफ़ी तगड़ा पोकेमॉन है भाई। फिर मैंने इसको भाई फेरी टाइप वाला जी मूव करवा दिया भाई, और इसका जो एनिमेशन है ना भाई जी मूव का काफ़ी बढ़िया भाई। देख लो ढिचुक ढिचुक एकदम घूम के मारता है, फिर एक ही अटैक में स्पिरिटॉम इसका निकल गया भाई। एंड फिर उसने भी मिगमैजिकस भेज दिया, मिगमैजिकस हो गया। मैंने थंडर अटैक मारा था, उसने शैडो बॉल मारा जिसे काफ़ी तगड़ा वाला किया भाई, एकदम एक ही अटैक में फेंट करा दिया मेरे मिगमैजिकस को। फिर मैंने सर्फ अटैक किया भाई अपने राइचू से, जैसे उसको ठीक ठाक डैमेज पड़ा उसने फिर से शैडो बॉल मारा जिससे मैं राइचू भी वन टिक किया हो गया भाई। फिर मैंने अपना ग्लाइस्कर भेजा जिसका आयरन टेल मिस हो गया और उसको मिस्टिक फायर लग गया भाई जिससे काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा। फिर मेरा आयरन टेल लगा तो उसका मैजिकस भी फेंट हो गया। फिर यहाँ पे गेंगर आया भाई, गेंगर को उसने किया मेगा इवॉल्व, मतलब कि ये है मेगा गेंगर जिसने आते ही साइकिक जड़ दिया जिससे ग्लाइस्कर भी फेंट हो गया। फिर मैंने नीडू किंग भेज के भाई नीडू किंग भेजा अर्थक्वेक करा, बट उससे पहले साइकिक लगा, वो एक एचपी भी बचा भाई और एक एचपी भाई उसने अर्थक्वेक मारा और गेंगर फेंट हो गया, गेंगर नहीं मेगा गेंगर। फिर यहाँ पे इसका भाई आया मिमिक्यू जिसको मैंने अर्थक्वेक मारा जिससे उसका डिसगस्ट फॉर्म टूटा, उसने प्लेयर ऑफ मार के नीडोगिंग को फेंट कर दिया। फिर मैंने टैलेंट फ्लेम भेजा, उसने शैडो स्नीक कर दिया भाई आते ही। फिर मैंने एक स्टील विंग जड़ दिया उसको जिससे उसको काफ़ी तगड़ा डैमेज पड़ा, फिर दूसरे स्टील विंग से वो फेंट हो गया। एंड इसी तरीके से उसका आया भाई चैंडुलर जो कि ये आते ही ब्रेव बर्ड खा लिया उसने, और रिकॉइल भी काफ़ी अच्छा पड़ा बट उसने शैडो बॉल मारा जिससे टैलेंट फ्लेम फेंट होते थे बचा। फिर मैंने फ्लाई अटैक किया, फिर फ्लाई जैसे लगा वो फेंट होते थे फिर से बच गया। मैं बोला भाई तू क्या कर रहा है भाई, फेंट नहीं हो पा रहा भाई तू। फिर मैंने उसको एक आयरन टेल मरवाया भाई अपने आर्कनाइन से जिससे जाके फिर वो फेंट हुआ। इसी तरह मैंने जिमली फेंटीना को हरा दिया। फिर हील वील करा के भाई यहाँ पे आ गया इस बंदे के पास जो कि मास्क वाला बंदा था, इसका नाम था भाई क्रसर वीक। इसके बॉडी डोले सोले देख के मैंने बोला भाई कहीं मसल ना दे भाई हमको, इसके लिए थोड़ा दूर से मैं बैटल करवाऊंगा। इसका पहले पोकेमॉन गैराडोस था जिसके खिलाफ मैंने भाई स्विच किया अपने, फिर मैंने मिगमैजिकस को भेजा। मिगमैजिकस को भेजते भाई मैंने आते ही भाई फेरी टाइप जी मूव करवाया जिससे इसका जो गैराडोस भाई वो 1 हिट KO हो सके, और 1 हिट KO हो गया। और यहाँ पे फिर आया भाई इसका फ्लोट सेल जिसके ऊपर मैंने आते ही थंडर अटैक करा दिया, और इसके जैसे अटैक पड़ा वो भी 1 हिट KO हो गया। फिर आया स्वाम्पट के ऊपर मैंने एनर्जी बॉल किया, बट उससे पहले उसने मेगा इवॉल्व कर लिया अपने स्वाम्पट को, एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद उसको भाई एनर्जी बॉल लगा जिससे उसको काफ़ी बढ़िया डैमेज पड़ा, मतलब बहुत ही खतरनाक डैमेज पड़ा। उसका रॉक स्लाइड मिस हो गया। फिर एक और एनर्जी बॉल से मैंने इसके मेगा स्वाम्पट को फेंट कर दिया। फिर आया इसका एम्पोलियन, उसके ऊपर भाई मैंने थंडर किया, वो थंडर मिस हो गया। फिर उसने फ्लैश कैनन मारा भाई जिससे मेरा मिगमैजिकस भाई फेंट हो गया। एंड फिर मैंने राइचू भेजा, राइचू से मैंने थंडर अटैक करा, इस बार थंडर लग गया और इसके एम्पोलियन को काफ़ी तगड़ा वाला डैमेज पड़ा। फिर उसने आइस बीम किया जिससे भाई अपना राइचू फ्रोजन सॉलिड हो गया, अभी कोई अटैक नहीं कर सकता बिकॉज ये बर्फ में जम गया तो फिर क्या ही करेगा। फिर मैंने भाई उसको स्विच करके आर्कनाइन भेज दिया। आर्कनाइन को आते ही एक फ्लैश कैनन खाने को मिला बट उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं उसको। फिर मैंने इसको एक एक्सट्रीम स्पीड मारा भाई जिससे ये फेंट होते होते बच गया, बट उसने सर्फ मार दिया जिससे आर्कनाइन की हवा टाइट हो गई और वो फेंट हो गया। फिर मैंने टैलेंट फ्लेम भेजा, टैलेंट फ्लेम में फ्लाई कराया और उसका ड्रिल पिक मिस होना ही था, फिर फ्लाई लगा और इसका एम्पोलियन फेंट हो गया। फिर आया भाई इसका टेंटेक्रूल जिसके ऊपर मैंने फ्लाई किया, एंड जैसे उसको फ्लाई लगा उसको काफ़ी बड़ी वाला डैमेज पड़ा। फिर उसने डैजल ग्रीम कर दिया जिससे चिल्लू बट डैमेज पड़ा भाई टैलेंट फ्लेम को, और अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने फिर से एक बार फ्लाई कर दिया भाई, हवा में जा चुका अपने टैलेंट फ्लेम और यार ठोक ठोक दिया और इसको काफ़ी तगड़ा डैमेज पड़ा। फिर उसने सर्व किया भाई जिससे टैलेंट फ्लेम ऑलमोस्ट फेंट होते थे भाई, 29 HP बच गया। फिर मैंने एक ब्रेव बर्ड मारा जिससे उसका टेंटेक्रूल फेंट हो गया भाई, और अपने को भी काफ़ी अच्छा रिकॉइल पड़ा। यहाँ पे इसका लूडिकोलो आया भाई, उसको भी मैंने ब्रेव बर्ड मार दिया जिससे लूडिकोलो भी फेंट हो गया भाई और अपना टैलेंट फ्लेम भी फेंट हो गया, बट अपने जीत गए भाई। क्रशर वेक को हमने हरा दिया। फिर हील करा के मैं यहाँ पे आया तो भाई यहाँ पे एक और जिम लीडर मुझे मिली जिसका नाम था कैंडाइस, और इसके पास पहला पोकेमॉन था इसका नाइन टेल्स जिसको मैंने आयरन टेल मारा भाई। और आयरन टेल लगते भाई ये एकदम मतलब
उठ गई थी जमीन से ऊपर, बट एक एचपी भी बच गया, और एक एचपी भी बच गया इसने ब्लिजर्ड मारा जिससे मेरा ग्लासगोर सच में उड़ गया भाई। फिर मैंने आर्कनाइन भेजा, एक्सट्रीम स्पीड करवाया और इसके आर्कनाइन इसके नाइनटीन्स को मैंने पहुंचा दिया आसमान में। फिर मेमोसोन आया, मेमोसोन को मैंने फ्लेम थ्रोर मारा जिससे वो फेंट होते होते एक दो एचपी पे बच गया। उसने आइस फैंग मारा जिससे आर्कनाइन को कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। फिर भाई मैंने एक और फ्लेम थ्रोर मारा जिससे उसका मेमोसोन फेंट हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपना मैजिकस भेजा जिस सामने से आया लैप्रेस, लैप्रेस के ऊपर मैंने किया टंडर, टंडर लग भी गया और उसको मतलब एकदम थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज पड़ा बस और कुछ नहीं। उसने साइकिक मारा जिससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मैजिकस को। फिर उसका टंडर मिस हो गया, उसने सर्फ किया जिससे काफ़ी अच्छा डैमेज किया। फिर मैंने एक और टंडर मारा जिससे उसको इस बार काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा। फिर इस बे भाई लैप्रेस ने थंडर बोल मार के मैजिकस को फेंट किया। फिर मैंने राइचू से एक थंडर अटैक करवाया जिससे लैप्रेस फेंट हो गई पूरी की पूरी। फिर यहाँ पे फ्रोस्ट है जिसके ऊपर थंडर अटैक मैंने किया बट वो मिस हो गया। फिर उसने एक शैडो बॉल जड़ दिया भाई जिससे राइचू का हवा टाइट हो गया। फिर यहाँ पे थंडर मैंने उसको मारा और उसकी भी हवा टाइट कर दी। फिर यहाँ पे आइस भी मार के उसने मेरे राइचू को फेंट किया। फिर मैंने आर्कनाइन भेजा, आर्कनाइन से मैंने फ्लेम थ्रो करवा उसको जला के भस्म कर दिया। फिर ग्लेली आया भाई और इसका जो ग्लेली था भाई वो यहाँ पे मेगा स्टोन से रिएक्ट होकर भाई बन गया मेगा ग्लेली जिसको मैंने आते ही फ्लेम थ्रोर जड़ दिया भाई। फ्लेम थ्रोर काफ़ी अच्छा अटैक है और उसने अर्थक्वेक मारा भाई जिससे मेरा आर्कनाइन भाई फेंट होते थे बचा, पता नहीं कैसे बच गया बट मैंने बच के फ्लेम थ्रोर मारा उसका मेगा ग्लेली फेंट हो गया। फिर यहाँ पे आया भाई आर्टिगुनो, आर्टिगुनो को मैंने फ्लेम थ्रोर मारा भाई और मुझे उम्मीद था कि ये फेंट नहीं होगा और ये मेरे को फेंट करके मारेगा। तो इसने आर्कनाइन को एंशिएंट पावर मार के फेंट किया। फिर मैंने नीडू किंग से भाई थंडर अटैक कराया, मेरे को उम्मीद था फेंट हो जाएगा बट ये नहीं हुआ, क्रिटिकल हिट पड़ा फिर भी नहीं हुआ। फिर उसने आइस भी मारा भाई जिससे नीडू किंग ऑलमोस्ट फेंट होते थे बचा। फिर मैंने एक और थंडर जड़ दिया भाई और इसका आर्टिगुनो फाइनली फेंट हो गया। इसी तरह मैंने यहाँ पे जिम लीडर कैंडाइस को हरा दिया भाई। एंड उसके बाद भाई यहाँ पे एक और जिम लीडर थी जिसका नाम था मेलिन और ये फाइटिंग नहीं पोके उनकी ट्रेनर थी भाई। सीनो के जिम लीडर्स काफ़ी कमाल है भाई, उसे सिंथिया सीनो किया तो सीनो की जिम लीडर से रूम। इसके मैच में मैंने एक्रोबेटिक्स मारा भाई बट वो बच गया और उसने ड्यूल चॉप मारा जिससे काफ़ी तगड़ा डैमेज पड़ा। फिर मैंने एक और एक्रोबेटिक्स से फेंट कर दिया। वैसे फिर इसका भाई मेडिचैम जो कि मेगा इवॉल्व हो गया भाई और बन गया मेगा मेडिचैम जिसको एक ही एग्रोबॉडिक्स में निपटा दिया। फिर यहाँ पे आया भाई अपना इन्फिनिटी उसको भी मैंने एक ही एग्रोबॉडिक्स में निपटा दिया। फिर आया यहाँ पे ब्रीलूम जिसको मैंने एक ही एग्रोबॉडिक्स में निपटा दिया, मतलब समझ रहे हो कितना खतरनाक पड़ रहा भाई एग्रोबॉडिक्स। फिर यहाँ पे इसका टॉक्सिक रॉक के सकर पंच मारता मैंने उसको भी एग्रोबॉडिक्स मारा वो भी फेंट हो गया। फिर यहाँ पे फाइनल आया उसका लुकारियो, लुकारियो मैंने एग्रोबॉडिक्स मारा बट वो फेंट नहीं हुआ, उसने ऑरा स्पेयर किया बट फिर भी भाई मैंने उसको एग्रोबॉडिक्स मार के फेंट कर दिया। यहाँ पे इसी तरीके से बड़े आसानी से मैंने मिलिन को हराया। फिर मैं आइसफॉल केव में आ गया, यहाँ पे मेरे को एक जिम लीडर मिला जिसका नाम था रॉक और ये अगर आप सीनो में जिम लीडर्स को चैलेंज करोगे तो आपको पहले नंबर पे मिलेगा, मतलब पहला जिम लीडर है। इसके पास था एक रैम्पेडोस जिससे मैंने ग्लाइस्कोर से करवाया भाई अर्थक्वेक और एक ही अर्थक्वेक में इसका रैम्पेडोस फेंट हो गया। फिर आया भाई इसका ये वाला पोकेमॉन जिसका नाम है राइपीर जिसको अर्थक्वेक पड़ा बट वो फेंट नहीं हुआ, उसके पास बेरी था जिससे उसको साथ एचपी मिला। फिर उसने मेगा हॉर्न किया। फिर आयरन टेल्स में मैंने उसको एक और अटैक मारा बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं उसको, काफी तगड़ा वाला डिफेंस वाला पोकेमॉन उसने स्टोन एज से मेरे ग्लाइस्कोर को फेंट कर दिया। मैंने मैजिकस से भाई एनर्जी बॉल कराया जिससे वो फेंट हो गया फाइनली भाई, मेरे को लगा था निकल जाएगा उनको। फिर मैंने नीडू किंग भेजा था उसका क्लोजल आया था जिससे मैंने अर्थक्वेक में उसको एक ही बार में फेंट कर दिया। फिर सॉल रॉक आ भाई, सॉल रॉक को मैंने मेगा हॉर्न मारा और उसका भी ये वाला भी पोकेमॉन एक ही हिट में चले गया। फिर उसका गोलेम आया, उसको मैंने अर्थक्वेक से भाई ऑलमोस्ट फेंट कर दिया था बट वो एक एचपी पे बच गया भाई। फिर उसने स्टोन एज मारा नीडू किंग को, फिर मैंने एक और अर्थक्वेक किया भाई और उसका जो गोलेम था फाइनली खत्म हो गया इस बार। ये मतलब ये जो जिम लीडर्स है ना, मतलब एक एक एचपी के मेहमान है भाई, एक एक एचपी पे बच जाते परेशान करते। फिर उसका एरोडैक्टिल आके भाई मेगा इवॉल्व हो गया, उसने फ्लाई किया बट फ्लाई में भी मैंने थंडर कर दिया था उसके लिए थंडर लगा और वो भी एक ही अटैक में फेंट हो गया। इसी तरह मैंने जिम लीडर रॉक को भी हरा दिया। फिर मेरी मुलाकात होती है उसके बाप से, बायरन से, बाप मतलब पप्पा, उसके पप्पा है ना पायरन, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उसका उनका पहला पोकेमॉन था भाई स्कारमरी जिसके अगेंस्ट मैंने आर्कनाइन भेजा। वैसे तो मेरा वो था क्या बोलते उसका, आप लोग देख लेना भाई, नाम भूल गया, उसने विड्रॉ करके भाई हीटन भेज दिया। मैं सोचा था हीटन को क्या ही होगा फायर से और कुछ हुआ भी नहीं भाई। ओके फिर मैंने ग्लाइस्कोर भेजा, हाँ मेरा पहला पोकेमॉन ग्लाइस्कोर था, फिर मैंने स्विच करके आर्कनाइन भेजा था। फिर यहाँ पे जैसे मैंने ग्लाइस्कोर भेजा भाई स्विच करके मैंने अर्थक्वेक करा दिया बट अर्थक्वेक भी इसको लगा नहीं, उसने ड्रैगन पल्स मार दिया। मैंने बोला भाई इसको कुछ लगे या नहीं तो करूँ क्या मैं। फिर मैंने आयरन टेल मारा, उससे भी एकदम चुल्लू भर डैमेज पड़ा। फिर उसने इरप्शन किया भाई और इरप्शन से ग्लाइस्कोर पूरा फेंट हो गया। फिर मैंने राइचू भेजा और इस बार सर्फ किया, सर्फ लग गया भाई किस्मत से और काफ़ी अच्छा डैमेज भी दे दिया। फिर उसने ड्रैगन पल्स मारा जिससे राइचू को अच्छा डैमेज पड़ा बट मैंने एक और सर्फ मारा जिससे उसका हीटरन फेंट हो गया। हीटरन ने परेशान किया था मेरे को भाई बता रहा हूँ। फिर बैस्टोडॉन को मैंने सर्फ मारा भाई और बैस्टोडॉन ने अर्थ मारा भाई जिससे राइचू पूरा ही निपट गया भाई। और उसके बाद मैंने मैजिकस भेजा, उसे मैंने एनर्जी बॉल करवाया बट थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा। फिर उसने हैवी स्लैम मार दिया भाई जिससे मैजिकस की हालत खराब हुई। मैंने सोचा इसको कंफ्यूज करो, पगलाएगा तो खुद को एक दो अटैक मारेगा तो जीतेंगे अपन, दिमाग लगाया मैंने बट फिर भी उसने पगलाया नहीं भाई और हैवी स्लैम मार के मेरे मैजिकस को फेंट किया। फिर मैंने नीडू किंग से अर्थक्वेक करवाया, फिर जाके बैस्टोडॉन फेंट हुआ। फिर यहाँ पे ब्रोंजोंग आया भाई जिसको मैंने एक अर्थक्वेक मारा और एक ही अर्थक्वेक में निपट गया, वो ऐसे पोकेमॉन मेरे को बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे स्टीलिक्स आया भाई जो कि यहाँ पे मेगा इवॉल्व हो गया भाई, मेगा स्टीलिक्स था ये, उसको भी मैंने एक अर्थक्वेक जड़ दिया भाई और वो फेंट होते थे बच गया भाई, आधी से थोड़ी कमेच भी बचा। उसने भी एक अर्थक्वेक जड़ दिया जैसे नीडू किंग पूरा फेंट हो गया। फिर मैंने आर्कनाइन
मेजर आर्गेनाइज से मैंने फ्लेम थ्रोअर करवाया, जिससे स्टेलिक्स गया भाई पूरा निपट गया। फिर स्कारमरी आया उसके ऊपर भी मैंने फ्लेम थ्रोअर मारा, वो एक एच पी भी वही बच गया भाई। मैंने बोला क्या कर रहे भाई, सभी की जिमलेटर के पोकन एक एक एच पी पे कैसे बच जाते। उसे पॉइजनाइजन कर दिया था, बाकी फिर वो प्रोटेक्ट कर लिया भाई, जैसे फ्लेम थ्रोअर लगा नहीं उसको। और ये लोग का ये सारे लोग पॉइजन करेंगे फिर प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे डैमेज पड़ते रहे। फिर मैंने फ्लेम थ्रोअर खत्म किया उसका। फिर मैगनीज़ होना है भाई, उसके भी मैंने फ्लेम थ्रोअर जड़ दिया, और वो भी भाई इस बार थोड़े ज़्यादा एच पी पे बचा। तो ये देखिए मैं खुशी हुई कि कम से कम एक एच पी पे नहीं बचा। बाकी उसने थंडरबोल्ट से मेरे आर्कानाइन को फेंट किया, फिर मैंने टैलेंट फ्लेम से फ्लाई करवाया और उसके मैग्नीशियन को फेंट कर दिया। अगर बता रहा फ्लाई नहीं करा था तो मैं पक्का हार जाता। फिर भाई केव के अंदर में गया, आइसफॉल केव के अंदर, तो मेरे को एक यहाँ पे रिलिक बैंड मिला जो कि आगे अपन को हेल्प करेगा। फिर वहाँ पे पोकन हील करा कि भाई मैं यहाँ पे आए बोट वाले अंकल के पास, वो भाई वहाँ पे कुछ ग्लिच था उसके जिसमें मेरे को विली सिटी आना पड़ा। फिर वहाँ से मैं आइलैंड नंबर 5 पे आया जहाँ पे वो लड़की ने मेरे से आइटम नहीं लिया। फिर मिस लड़की को आके आइटम दिखा तो उसने बोला हाँ आगे जा सकती हूँ। फिर यहाँ पे भाई मेरे को सिनो के जो इलाइट 4 है उसका एक मेंबर मिला ल्यूसियन, जो कि इलाइट 4 का पहला मेंबर है साथ से, एनमी के अंदर भी दिखाया गया था। इसने भी वही बोला भाई सिंथिया ने भाई जिम लीडर के साथ साथ इलाइट 4 को भी यहाँ पे लेके आया, तो फिर ये आ गया भाई। एंड फिर इससे बात बात करने के बाद भाई वही उसने सब कहानी बताई, फिर इससे बैटल हो गया। इसका नाम था ल्यूसियन भाई, इलाइट 4 का पहला मेंबर है। इसका पहला पोकन था ब्रॉन्जंग जिसको मैंने अर्थ को मारा, बट वो नहीं लगा और उसने साइकिक मारा। फिर मैंने भाई स्विच करके भाई अपना आर्कानाइन ले आया, फिर आते ही उसको साइकिक लगा। फिर मैंने एक फ्लेम थ्रोअर मारा जिससे उसका ब्रॉन्जंग ऑलमोस्ट फेंट हो गया था, बट थोड़े छुई बचा था। फिर उसने साइकिक मारा जिससे काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा भाई आर्कानाइन को, बट फिर मैंने एक और फ्लेम थ्रोअर मार के उसके ब्रॉन्जंग को पूरा फिन कर दिया। एंड देन भाई मैंने अपना ग्लासगोर भेजा और फिर आया उसके सामने में राइचू, आती उसने साइकिक मार दिया जिससे ग्लासगोर की हालत पतली होगी। फिर मैंने कर्तुक मारा जिससे मैंने उसकी राइचू की पूरी हालत ख़राब कर दी। फिर मैंने मैजिकस भेजा भाई सामने से आया क्लेडॉल, क्लेडॉल के लिए मैं एकदम तैयार था, मैंने एनर्जी बॉल आते ही जड़ दिया, बट उसको चुल्लू हर डैमेज पड़ा। उसने सिग्नल भी मारा भाई जिससे मैजिकस को और चुल्लू हर डैमेज पड़ा। फिर मैंने एक और अटैक मारा जिससे उसकी एच पी थोड़ी सी बच गई भाई, और उसने शैडो बॉल मारा। मैंने बोला उसको छोड़ेंगे नहीं, एक और एनर्जी बॉल दे के मैंने उसको निपटा दिया। फिर आया भाई यहाँ पे अलेक्जेम जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता था, उसके पास है मेगा अलेक्जेम। मैंने एक भी पोकन का मेगा इवॉल्व नहीं किया, आते ही उसने भाई शैडो बॉल मार दिया जिससे मैजिकस पूरा निपट गया भाई। फिर मैंने ग्लाइसगर भेजा, ग्लाइसगर से मैंने सोचा अटैक करेंगे, बट उससे पहले उसने सिग्नल भी मार के निपटा दिया उसको। फिर भाई मैंने टैलेंट फ्लेम भेजा जिससे मैंने आते ही ब्रेव वर्ड करवाया, काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा उसको, और उसने फिर कर दिया साइकिक जिससे टैलेंट फ्लेम ऑलमोस्ट फेंट होते बचा। फिर मैंने ब्रेव वर्ड से उसके अलेक्जेम को फेंट किया जिससे रिकॉइल से थोड़ा बहुत मेरे को भी डैमेज पड़ा। फिर यहाँ पे लैटियस आया जिसको मैंने ब्रेव वर्ड मारा और रिकॉइल से फेंट हो गया भाई अपना टैलेंट फ्लेम। फिर राइचू से मैंने थंडर कराया जिससे वो बच गया भाई, एकदम चुल्लू पर डैमेज पड़ा। उसने मिस्टिक फायर किया जिससे राइचू को भी ठीक ठाक डैमेज पड़ा। फिर मैंने सर्फ अटैक किया उससे भी चुल्लू पर डैमेज पड़ा। उसने ड्रैगन पल्स मारा जिससे राइचू ऑलमोस्ट फेंट होते बच गया भाई। फिर मेरा यहाँ पर थंडर अटैक भी मिस हो गया, फिर उसने सर्फ से भाई राइचू को फेंट कर दिया। मैंने फिर यहाँ पे भाई ड्रैगन पल्स करा अपने आर्कानाइन से, फिर जाके उसका लैटियस फेंट हुआ और फाइनल उसका एग्जीक्यूटर आता है जिसके ऊपर मैंने फ्लेम थ्रोअर किया जिससे वो बच गया। उसने स्लज बॉम्ब किया जिससे मेरा आर्कानाइन भी बच गया, बट पॉइजन हो गया। मैंने बोला इसको निपटाएंगे, बट वो पॉइजन से फेंट हो गया। फिर बाद में भाई मैंने निडोकिंग से मेगा हॉर्न कराया और उसके एग्जीक्यूटर को फेंट कर दिया। और इसी तरीके से भाई मैंने सिनो के लाइट 4 के पहले मेंबर को करा। फिर यहाँ पे दूसरे लाइट 4 के जो मेंबर थी वहाँ पे भाई मैक्स पोशन मिला था, मतलब ये गेम का ग्लिच। इसी तरीके से तीसरा लाइट 4 जो है वो पेड़ में बदल गया था, वो भी ग्लिच था। और जो चौथा लाइट 4 था भाई वो भी मतलब एक पीपीएफ बन गया था, तो यहाँ पे ग्लिच। फिर उसके बाद भाई मैं आ गया रॉकेट वेयर हाउस के अंदर, और यहाँ पे भाई मेरे को सिनो के जो बैटल फ्रंट है भाई उसका एक मेंबर मिला, और इसने मेरे को बताया भाई कि ये लोग को दो दो सिंथिया दिख रहे, मतलब कि कुछ मल्टीवर्स का सीन है भाई। एंड ये देख के मैं हैरान हो गया। बाकी इन सभी को भी भाई सिंथिया ने यहाँ पे तैनात किया है जिससे भाई जो भी मतलब चीज़ है वो उनको मतलब हेल्प कर पाए भाई। बाकी इससे मेरा बैटल स्टार्ट हुआ। इसका नाम था भाई डर्च, और इसका पहला बुक था भाई ऑर्बिटल। एंड ऑर्बिटल को मैंने आते ही एक्रोबेटिक्स जड़ दिया जिससे वो फेंट होते थे बच गया, बट उसने गीगा ट्रेन मार दिया जिससे अपनी एच पी लेके अपनी रिस्टोर कर ली। फिर उसने एक्रोबेटिक्स खाया और वो चले गया। फिर यहाँ पे भाई उसका एम्पोलियन आया जिसको मैंने अर्थक्वेक मारा भाई, और अर्थक्वेक से भाई वो मतलब ऑलमोस्ट बच गया था, बट उसने सर्फ अटैक करके मेरी ग्लासगोर को ही फेंट कर दिया। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने नीडू क्विंग भेजा और एक अर्थक्वेक में उसको निपटा दिया। फिर यहाँ पे आया भाई उसका सेक्टाइल जो कि स्ट्रगल अटैक कर रहा है। मैं बोला ये क्या कर रहा है भाई तू। फिर मैं उसको आइस भी मारा जिससे वो फेंट होते थे, एक एच पी बचा भाई। फिर से उसने स्ट्रगल किया और रिकॉइल से खुद ही फेंट हो गया। मैंने बोला ये गैला बंदा भाई, ये कुछ नहीं कर सकता अपना। फिर एंटे आया, एंटे के लिए भाई मैंने सर्फ तैयार रखा था अपने राइचू का, आते ही मैंने उसको जड़ दिया और उसकी आधे से ज़्यादा चीज खत्म हो गई, और ये भी स्ट्रगल कर रहा है। मैंने बोला भाई तू लेजेंडरी को भी बर्बाद करेगा। मैं बोला ये काही का वाइटल फ्रेंडियर का मेंबर है। फिर उसने इलेक्टिवार भेजा जिसके ऊपर मैंने सर्फ किया था। फिर मैंने एक और ब्रिक बेग मारा, उसने भी स्ट्रगल किया। मैं बोला भाई क्या हो रहा है यार, ऐसे कैसे बैटल फ्रंट में कैसे उसको पार्ट कैसे मिल गया भाई उसका। फिर आया ड्रैगोपोल जो कि स्ट्रगल मारा भाई, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। मैंने फिर अपना भेजा भाई मैजिकस जिसे मैंने फेरी टाइप रिमूव कराया जिससे भाई मतलब अगर ये लगा ना तो वो एक एचपी में मतलब एक एचपी भी नहीं बचेगा भाई, पूरा फेंट हो जाएगा। और वही हुआ, ड्रैगोपोल पूरा फेंट हुआ। फिर एंटी को मैंने ड्रिल क्लिम मारा, वो भी फेंट हो गया। और ये ट्रेनर के ऊपर मेरे को बहुत गुस्सा आया भाई। फिर मैं दूसरी वाली मेंबर के पास गया जिसके अंदर दहलिया
उसका पहला बुक था भाई डस्कनॉर। एंड डस्कनॉर आते ही भाई उसने कुछ तो उसकी हुआ, मैंने उसके ऊपर शॉर्ट डांस किया जिससे उसके ऊपर नहीं खुद के ऊपर, फिर उसने शैडो बॉल मारा, मैंने बोला ये हुई ना कुछ बात, ये बंदी अच्छी अटैक तो मारी कम से कम। वो तो भाई स्ट्रगल कर रहा था भाई, यहाँ पे दो खाने के बाद भाई मेरा दिमाग होश आ गया ठिकाने, मैंने आयरन टेल मारा फिर एक और शैडो बॉल, मेरा ग्लाइस्कोर फेंट हो गया। मैंने बोला भाई दिक्कत वाली बात होगी, फिर मैंने सर्व कराया उससे भी वो बच गया भाई, उसने शैडो बॉल मार के मेरे राइचू भी काफ़ी तगड़ा वाला डैमेज दिया। मैंने बोला ये खतरनाक बंदी है भाई, इससे पुराने वाले जैसे लल्लू नहीं है। फिर उसका आया भाई लूडिकोलो जिसके ऊपर मैंने थंडर अटैक किया, बट उसको छोटा मोटा डैमेज पड़ा, उसने आई बीम से राइचू को फेंट किया। मैंने फिर मेगा हॉर्न कराया भाई अपने नेट गेम से और उसका लूडिकोलो फेंट हो गया। फिर यहाँ पे मेडिचैम्प आया जिसके ऊपर मैंने डैजल ग्लीम किया जो कि फाइटिंग टाइप है तो फिर फेरी टाइप इफेक्ट है उसके ऊपर। फिर यहाँ पे ज़ैपडोस आता है जिसके ऊपर भाई मैंने फेरी टाइप जी मूव करवाया, जी मूव मतलब समझ लो ना काफ़ी तगड़ा वाला जी मूव है। अब देखना यह कि इसको डैमेज कितना पड़ता है, काफी अच्छा डैमेज पड़ा भाई, आधे से ज्यादा डैमेज पड़ा। फिर उसने थंडर बोल मारा जिससे मैं मैजिक उसको भी ठीक ठाक डैमेज पड़ा। फिर मैंने एक और डैजल गेम से उसके जैबलॉस को फेंट किया। यहाँ पे आया भाई ब्लेजिंग, ब्लेजिंग को आते ही थंडर अटैक लगा, फिर उसने फ्लेयर ब्लिस किया भाई, और फ्लेयर ब्लिस से भाई मैजिकस एक झटके में क्रिटिकल भी लग गया भाई, पूरा फेंट हो गया। फिर मैंने एक्रोबेटिक्स करवाया भाई अपने टैलेंट फ्लेम से और उसका ब्लेजिंग पूरा फेंट हुआ। फिर यहाँ पे स्टील विंग मैंने किया भाई टोगेकिस के ऊपर जिससे काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा, बट उसने थंडर बॉल मारा, थंडर बॉल सॉरी थंडर नहीं थंडर बॉल मारा। फिर मैंने स्टील विंग मारा भाई, एंड देन मतलब उसने फिर से एक थंडर बॉल मारा जिससे मैंने टैलेंट फ्लेम फेंट हो गया। मैंने बोला भाई इसको छोड़ूंगा नहीं, फिर मैंने एक्सट्रीम स्पीड करवाया जिससे टोगेकिस फेंट हो गई। एंड फिर भाई यहाँ पे देखो इसकी तरह मैंने इसको हरा दिया। फिर तीसरे मेंबर से मैं जाकर मिला जिसका नाम था अर्जेंटा, अर्जेंटा नाम था। यहाँ पे भाई मैंने अपने राइचू को स्विच करके भेजा एंड मैंने थंडर अटैक करा उसके लैप्रेस के ऊपर जिससे भाई वो फेंट होते होते भाई थोड़ा रुकते रुकते बच गई भाई, मेरे को लगा था जाने वाली थी बट पता नहीं क्यों रुक गई। फिर उसने हाइड्रोबॉल से भाई राइचू को फेंट कर दिया। एंड फिर भाई मैंने अपना मैजिकस भेजा जिससे मैंने थंडर अटैक करा बट वो मिस हो गया एंड दूसरा वाला लग गया भाई, दूसरा वाला लग गया फिर उसका लैप्रेस फेंट हो गया। फिर यहाँ पे उसका गाड़ी वो आया जो कि आते ही भाई उसने मेगा इवॉल्व कर दिया, उसके लिए मैंने टैलेंट फ्लेम भेजा था और आते ही मैंने उसको स्टील विंग मार दिया, बट उसने भाई मून ब्लास्ट अटैक मारा जिससे मेरा टैलेंट फ्लेम फेंट नहीं हुआ और डैमेज भी ठीक ठाक ही बढ़ा, ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। फिर मैंने एक और स्टील विंग से उसकी गाड़ी ओवर को फेंट कर दिया। फिर यहाँ पे भाई आया राइको जिससे भाई आते ही उसने शैडो बॉल मारा, बट मैंने अर्थ को तैयार कर लिया था और अर्थ को जब मैंने राइको को मारा तो वो एक एचपी पे पता नहीं कैसे जाके बच गया। फिर उसने एक्स्ट्रा सेंचुरी मारा जिससे मेरा ग्लाइस्कोर 7 HP बचा, फिर उसका राइको फेंट हुआ। फिर यहाँ पे उसका स्टेरप्टर आया जिसको आते ही मैंने थंडर अटैक मार दिया अपने मैजिकस से। फिर यहाँ पे भाई उसका वल्केनर आया जिसको मैंने अर्थ को मारा भाई अपने नीडुकिंग की हेल्प से। फिर उसने बग बस मारा भाई, फेंट नहीं हुआ, पता नहीं कैसे बच गया, बट मैंने एक और अर्थ को एक में उसको फेंट कर दिया भाई। एंड देन भाई फिर यहाँ पे आती है उसकी मेगानियम जिसको भाई मैंने आइस भी मारा भाई और वो भी बच गया भाई। मैंने बोला एक HP में मतलब मैंने फेंट क्यों नहीं भाई, 180 हो जाओ मजा आएगा मेरे को, बट उसने थोड़ी बहुत HP ली। मैंने उसको फिर से एक आइस भी मारा फिर वो फेंट हो गई भाई। एंड भाई मैं ये देखिए मतलब भाई चलो कोई तो है भाई। फिर मैंने यहाँ पे इसको भी हरा दिया भाई। फिर यहाँ पे चौथा मेंबर था जिसका नाम था थॉटन, पता नहीं कैसे किसे नाम है, जान तो तेल लेने गया नाम। फिर मैंने उसको एक एक्रोबेटिक्स मारा जिसका फेरेथ्रोन था भाई, तो स्टील एंड ग्रास का टाइपिंग है तो फिर उसकी इसके लिए उसके ऊपर एक्रोबेटिक्स ज़्यादा डैमेज नहीं दिया। फिर मैंने भाई स्विच करके आर्कनन भेजा क्योंकि मैंने दिमाग लगा लिया था भाई। फिर भाई मैंने सोचा इसको फ्लेम थ्रोन से जला के भस्म कर देंगे और वैसा ही मैंने किया और ये जल के भस्म भी हो गया भाई, फेरेथ्रोन गया। फिर यहाँ पे इसका ये पोकोन है जिसका नाम मेरे को पता नहीं था, मैंने इसको एक्सट्रीम स्विच मारा और ये टोगापैक्स है भाई, इसने स्कैल अटैक मारा। मैंने बोला दिक्कत वाली बात है भाई। फिर मैंने एक और फ्लेम थ्रोर मारा बट इसने भी स्पेल अटैक मार दिया जिससे आर्कनन ऑलमोस्ट फेंट होते बचा। फिर मैंने एक ड्रैगन पल्स मारा बट वो फेंट नहीं हुआ, उसने टॉक्सिक अटैक कर दिया पता नहीं क्यों भाई, पागल है वो। एक और अटैक मारते ना पक्का फेंट हो जाता भाई, बट मैंने एक यहाँ पे दिमाग लगा के भाई एक्सट्रीम शूट मारा जिससे उसको भी डैमेज पड़ा, बट उसने वेनोसॉक मार के भाई आर्कनन को निपटा दिया। एंड उसके बाद मैंने ब्रेव बर्ड मारा भाई अपने टैलेंट फ्लेम की हेल्प से जिससे टोका पिस गया। फिर भाई मैंने विड्रॉ किया और स्विच किया भाई ग्लाइस्कोर में क्योंकि सामने मेगा एम्प्रेस था और आते ही भाई मैंने उसको एक अर्थ को एक जड़ दिया और उसने भी एक पावर जेम अटैक मार दिया मेरे ग्लाइस्कोर को जिससे दोनों को काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा, बट मेरा अर्थ को एक पैर लगा और उसका मेगा एम्प्रेस फेंट हो गया। फिर हिप्पोडोन आया भाई, हिप्पोडोन को भी मैंने एक अर्थ को एक जड़ दिया बट वो काफ़ी कम डैमेज पड़ा उसको, उसने क्रंच से मेरे ग्लाइस्कोर को फेंट किया। फिर मैंने राइचू से सर्फ अटैक करवाया जिससे उसको ठीक ठाक डैमेज पड़ा। फिर उसने अर्थ को एक कर दिया जिससे राइचू को काफ़ी गंदा वाला डैमेज पड़ा और वो फेंट हो गया। फिर मैंने नीडुकिंग से भाई आई सीम करवाया जिससे इसका हिप्पोडोन फेंट हो गया। फिर यहाँ पे आता है भाई मॉल्ट्रेस, मॉल्ट्रेस को मैंने भाई थंडर अटैक मारा भाई अपने मैजिकल सेल्फ से जिससे वो काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा भाई। एंड फिर बाद में एक और मेरा थंडर मारा था बट वो मिस हो गया। फिर फ्लेम थ्रोर उसने मारा, फिर मैंने एक और थंडर किया बट वो भी मिस हो गया। मैंने बोला अभी हार ना क्या तेरे को, कैसे मिस हो रहा है भाई बार बार। फिर मैंने एक और थंडर किया वो भी मिस हो गया, उसने हरिकेन मारा जिससे मेरा मैजिकल फेंट हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। टैलेंट फ्लेम को जैसे भेजा वो बैटल फील्ड में आके ही फेंट हो गया। फिर मैंने नीडुकिंग से थंडर कराया वो भी मिस हो गया भाई, उसने यू टर्न मारा और फिर उसने क्रेडली भेज दिया। फिर मैंने आइस बीम जड़ दिया भाई जिससे क्रेडली को काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा। मैं बोला भाई काई को मेरा सब अटैक मिस हो रहा भाई, उसने गीगा ट्रेन से मेरी एचपी भी खा ली बताओ यार। फिर मैंने एक आइस भी मारा भाई, मतलब इतने अटैक किसी के मिस होते क्या, वो फेंट ही नहीं हो रहा भाई, गीगा ट्रेन से अपनी एचपी खा ले रहा है और खुद की बढ़ा ले रहा है,
ये देखो भाई, फिर से मैंने एक एचपी मारा, उम्मीद थी कि ये फेंट हो जाएगा और वो एक एचपी पे बच गया। फिर उसने गीगा ट्रेन किया जिससे निडुकिंग की मेरी एचपी खा ली एंड मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है भाई, भगवान कहाँ हो भाई, देख रहे हो कि नहीं ये सब। फिर मैंने एक एचपी मारा फिर जाके फेंट हुआ। फिर मैंने भाई मॉल्टोस को भी एचपी मारा, वो भी फेंट हो गया भाई, एक साथ दोनों फेंट हो गए। फिर यहाँ पे भाई मेरे को मिली प्लम्बर जो कि बैरी की पप्पा है और मेरे को पता भाई ये बैटल फ्रंट के फ्रंटियर के लीडर है भाई, जोटो जोटो नहीं सीनो के बैटल फ्रंटियर के। बाकी बैटल आप लोग स्क्रीन पे देखो, मैंने यहाँ पे एक अर्थ को किया राइपीरियर को जिससे ऑलमोस्ट फेंट होते तो बच गया भाई, उसने स्टोन ही मार दिया जिससे ग्लासगोर भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था भाई, स्पीड में जा रहा था मेरे को तो चले जाएगा। यहाँ पे उसका ड्रैगन हेड आता है भाई जिसको मैंने आइस भी मारा भाई अपने निडो किंग से हेल्प से, और वो फ्रोजन सॉलिड हो गया मतलब बर्फ में जम गया जिससे अब वो अपना उंगली भी नहीं हिला पाएगा। फिर मैंने सोचा इसको तो आराम से फुर्सत में मारेंगे यार, मैंने एक बार आइस भी मार दिया भाई और वो फेंट हो गया। ओके बैरी की पप्पा है तो अपने अंकल है भाई, तो इनको आराम आराम से मारेंगे। बाकी इनके पास एक रेजी गीगस था जो कि लेजेंडरी पोको है ना, जिसको मैंने एक अर्थक्वेक मारा, उसने भी अर्थक्वेक मारा, मैंने एक और अर्थक्वेक मारा भाई निंडो किंग से और वो फेंट होते तो बचा, उसने बेरी खा ली भाई, सिट्रस बेरी होगा, हाँ सिट्रस बेरी था। फिर उसका जेन एडवर्ड मिस हो गया भाई अटैक, फिर मैंने एक और अर्थक्वेक जड़ दिया बट वो एक एचपी पे बच गया और उसने अर्थक्वेक मारा, निंडो किंग भी 20 HP पे बच गया। फिर मैंने एक और अर्थक्वेक मारा और वो फेंट हो गया। फिर यहाँ पे भाई हम दोनों ने पोको स्विच किया, मैंने थंडर अटैक कराया उसके माइलोडी के ऊपर, मेरा मिगमैजिक्स काफी तगड़ा अटैक मारता है भाई, ये तो मेरे को मानना पड़ेगा। उसने सर्फ अटैक मारा, मिगमैजिक्स को काफी ठीक ठाक डैमेज पड़ा। फिर मैंने एक और थंडर अटैक मारा भाई एंड उसके बाद उसका मिगमैजिक्स फेंट हो गया। फिर यहाँ पे आता भाई हीटर के लिए मैंने एनर्जी बॉल रखा था जिससे उसको चुल्लू भर भी डैमेज नहीं पड़ा। फिर उसने इरप्शन अटैक किया जिससे मेरे को लगा था मिगमैजिक्स निपट जाएगा और निपट ही गया। फिर भाई मैंने निडुकिंग भेजा और निडुकिंग से मैंने अर्थ क्वैक अटैक कराया जिससे उसका हीट रन भी निपट गया। फिर यहाँ पे क्रिसिलिया आई भाई जो कि माइथिकल पोकेमॉन है, उसको मेगा हॉर्न मारा मैंने भाई, उसने स्टोर पावर मार के निडुकिंग को फेंट किया। फिर मैंने भाई ग्लासगोर की हेल्प से आयरन टेल मारा और उसने मून ब्लास्ट मारा भाई जिससे ग्लासगोर भी फेंट हो गया। फिर मैंने आर्कनाइन भेजा, आर्कनाइन से मैंने ड्रैगन पल्स करवाया, उसने एक और बार फिर से मून ब्लास्ट मारा भाई और चुल्लू पर डैमेज पड़ा। फिर मैंने एक्सट्रीम स्पीड किया भाई, उसको भी चुल्लू पर डैमेज पड़ा, उसने फिर से मून ब्लास्ट मारा और फिर से चुल्लू पर डैमेज पड़ा। फिर मैंने एक्सट्रीम स्पीड मारा, फिर से चुल्लू पर डैमेज पड़ा बट वो फेंट हो गई। यहाँ पे भाई मैंने प्लम्बर को हरा के यहाँ पे पोके बोलता था जिसके अंदर कोई पोखा नहीं था बट मेरे जगह मतलब टीम में जगह नहीं था, तो फिर यहाँ पे मैं आ गया। और यहाँ पे मेरे को भाई मिला एक, ये इसका नाम मैं जानता नहीं, मैं भूल गया बट ये भाई उसका चैंपियन है, गलार रीजन का चैंपियन, इसका नाम है विक्टर। हाँ ये गलार का प्रोटोकॉन है, उसके पास भाई मतलब एटरनेटस था भाई जिसने डायनामिक्स कैनन मारा मेरे निडो किंग को जिससे मतलब काफ़ी अच्छा डैमेज चढ़ा। फिर उसने दूसरे अटैक में फेंट कर दिया, मैंने उसको अर्थक्वेक से काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया था इसीलिए एक्सट्रीम शूट करती हुई फेंट हो गया भाई। फिर यहाँ पे भाई रेजिली की आया, रेजिली की भाई स्टोर पावर मारा, मैंने उसको एक अर्थक्वेक मारा, मेरे को लगा था फेंट हो जाएगा बट वो एक एचपी पे बच गया क्योंकि उसके पास फोकस है था, उसने एक एंशिएंट पावर मारा जिससे ग्लासगोर की हालत ख़राब हो गई थी बट मैंने भाई कैसे कैसे वो मतलब ठीक ना आगे। फिर उसने अर्थक्वेक मार के रेजिली को फेंट किया। फिर हम दोनों ने पोकेन स्विच किया, उसके क्लेरिक्स ने मेरे मिगमैजिक्स को एक ही अटैक में ऑलमोस्ट फेंट कर दिया था बट ऐसा हुआ नहीं, बट मैंने वो चीज़ कर दिया, उसके क्लेरिक्स को मैंने एक ही शैडो बॉल में फेंट कर दिया। फिर यहाँ पे भाई उसके जीसीएन ने मेरे ग्लासगोर को प्लेयर ऑफ मारा बट मैंने आयरन टेल मार दिया और मैं सोचा था किसका पहले अटैक लगेगा उसका ही लगा और मेरा ग्लासगोर फेंट हो गया भाई, जीसीएन काफ़ी तगड़ा पोकेन है ना यार। फिर मैंने अपना मिगमैजिक्स भेजा, वो भी प्लेयर ऑफ खा के फेंट हो गया। फिर मैंने भाई अपना आर्कनाइन भेजा जिसको क्लोज कॉम्बैट पड़ गया भाई आते ही, बट मैंने बोला भाई इसको आयरन टेल लगेगा तो काफ़ी अच्छा फेंट ही हो गया भाई, पूरा ही फेंट हो गया। फिर यहाँ पे भाई मैंने जाबलोस के सामने अपना मिस्टर राइम भेजा था जो कि एक ही क्लोज कॉम्बैट में फेंट हो गया, मैंने बोला सब नलायक भरे। फिर मैंने भाई अपना टैलेंट फ्लेम भेजा, मैंने उसे फ्लाई करा और जाबलोस को जैसे फ्लाई लगा वो निपट गया भाई एक ही अटैक में। फिर यहाँ पे जरूर आया, जरूर को भी पर मैं ही मैंने फ्लाई किया और वो भी एक ही अटैक में निपट गया था बट बच गया भाई, निपटते निपटते बच गया भाई, उसको बर्न हो गया भाई पता नहीं कैसे, वो बर्न में भाई अब जलेगा मेरे लिए फायदेमंद बात है, मैंने ब्रेवबर्ड सोचा मार के निपटा देते और निपट भी गया वो भाई एंड यहाँ पे जरूर भी फेंड हो गया। और इसी तरह भाई मैंने चैंपियन विक्टर को भी हरा दिया भाई, इसके पास एटरनेट था। फिर यहाँ पे भाई मैंने रिलीक वेस उठाया और यहाँ पे मेटल कोड उठाया भाई, इसको देख के मेरे को डर लग रहा था, बाकी जो आइटम रिलीक वेस मैंने उठाया तो यहाँ पे आके मैंने लड़की को दिया। फिर यहाँ पे मेरे को मे मिल गई जो कि भाई होवेन रीजन की चैंपियन बन गई थी, इसका पहला पोकेमॉन था ब्लेजिंग जिसको मैंने अर्थक्वेक से मारा और एक ही अटैक में निपट गया भाई एंड देन उसके बाद आया उसका भाई डिऑक्सिस जो कि आती साइको कट जड़ दिया मेरा निडुकिंग फेंट हो गया। फिर मैंने भाई मिगमैजिक्स भेजा, उसको भी साइको कट लगा बट उसने शैडो बॉल मार के भाई उसको डिऑक्सिस को निपटा दिया एंड देन उसका आता है भाई प्राइमल कायोगर जिसके ऊपर मैंने थंडर अटैक किया बट वो पैरालाइज हो गया बट फेंट नहीं हुआ, उसने अर्थक्वेक किया जिससे मेरा राइचू भाई फेंट हो गया। फिर मैंने मिगमैजिक्स भेजा, मिगमैजिक्स में मैंने थंडर अटैक कराया बट वो फिर से बच गया, मैंने बोला ये ले जाएगा बट उसका अटैक मिस हो गया हेड स्मैश, मैंने बोला भाई अच्छी बात है। फिर मैंने एनर्जी बॉल किया बट उसने पोकेमॉन स्विच करके भाई मेटाक्रॉस को भेज दिया, मैंने बोला भाई मेटाक्रॉस तो नहीं बचेगा मेरे पास भाई, गोस्ट टाइप तगड़ा वाला गोस्ट टाइप अटैक है, इसके लिए मैंने शैडो बॉल किया फटाक से, मैंने बोला फेंट हो जा और ये फेंट होते तो भाई बच गया, उसने टॉक्सिक अटैक किया, मैंने बोला वाह क्या बात है इससे ही चैंपियन होना चाहिए भाई, अटैक मारता मिगमैजिक्स निपट जाता बट उसने टॉक्सिक किया। फिर मैंने शैडो बॉल से उसको निपटा दिया। यहाँ पे भाई आता है रेक्यूजा, रेक्यूजा के लिए पर मैंने ड्रैगन पल्स मारा बट उसको भाई काफ़ी कम डैमेज पड़ा, उसने लीस्ट हिट किया, मैं बोला ये क्या बात हुई। फिर मैंने भाई ड्रैगन टाइप जी मूव किया भाई जिससे हुआ
डेवेस्टेटिंग ट्रिक अटैक और रेक्यूजा को चेसी अटैक लगा भाई, काफी तगड़ी वाली एनिमेशन हुई और रेक्यूजा एक एचपी पे बच गया। मैं बोला भाई ये होता है तगड़ा पोकेमोन, इतना खतरनाक अटैक खाने के बाद भी एक एचपी बच गया। फिर मैंने उसको ड्रैगन पल्स मार के फेंट कर दिया। यहाँ पे प्राइमल कायोगर आया, उसको मैंने एक्सट्रीम शील्ड मारा। फिर यहाँ पे आता है भाई एक लैटियस, जिसके ऊपर मैंने ड्रैगन पल्स मारा, उसने भी क्लोज कॉम्बैट जड़ दिया जिससे आर्कनाइट निपट गया। एंड भाई मैंने डाइजल करवा के उसको फेंट करो, वही हुआ, फेंट भी हो गया वो। फिर भाई मैं मेक हरा के यहाँ पे घर के अंदर आया, घर के अंदर मेरे को सिंथिया मिली। सिंथिया बोल रही है भाई कि यहाँ पे भाई बहुत दिक्कत हो गई भाई, इसको दो दो डॉन दिखी, एक डॉन के पास भाई गिरा टीना पोकेमोन है और एक डॉन के पास नहीं है, और वो जो जिसके पास गिरा टीना भाई दूसरे डायमेंशन से आई है। ये सब सुन के मैं पगला आ गया, सठिया आ गया। मैंने बोला क्या बोल रही है यार, बट इसने बोला भाई यही हो रहा है, यहाँ पे दो डायमेंशन से डॉन आ गई है भाई। मैंने बोला भाई पक्का मल्टीवर्स का वो सीन है। बाकी इसने भाई बताया उसने कि वो सब जिम लीडर वगैरह को लेके आई है। एंड देन भाई उसके बाद हमारा बैटल हो गया स्टार्ट। उसके पहले पोकेमोन था क्रिशी लिया, जिसके ऊपर भाई मैंने कर दिया भाई फेरी टाइप, फेरी नहीं गोस्ट टाइप अटैक, गोस्ट टाइप जी मूव, नेवर एंडिंग नाइटमेयर, गोस्ट टाइप जी मूव मैंने करवाया, जिससे क्रिशीला ऑलमोस्ट फेंट होते बच गई। उसने स्टोर पावर मारा, स्टोर पावर अटैक से ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा। मैंने एक और शैडो बॉल मारने की सोची बट उसने प्रोटेक्ट कर लिया था। फिर अगला वाला मेरा शैडो बॉल लग गया, जिससे क्रिशीला फेंट हो गई। बताओ जी मूव से कि भी भाई बच गई वो, अभी गोस्ट टाइप था। बाकी इसके पास एक लुका दी तो जो कि मेगा इवॉल्व हो गया। मैंने बोला गार्चम किधर गया भाई, मैंने बोला जान दो तेल लेने जाए अपन को क्या करना है। उसने मीटियोर में मारा, मैंने शैडो बॉल मारा तो उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा, बट उसने मीटियोर में से फेंट कर दिया। फिर मेरे आर्कन को बुलेट पंच लगा बट उसने फ्लेम थ्रो कर दिया था और लुकारियो फेंट हो गया। फिर गार्चम आया भाई, गार्चम के ऊपर नेडुगो ने अर्थक्वेक किया, उसने भी अर्थक्वेक किया भाई, जिससे नेडुगो को काफ़ी तगड़ा वाला डैमेज पड़ा और एक ही अटैक में फेंट हो गया। फिर मैंने ग्लाइड्सकोर से भी एक अर्थक्वेक करवाया, जिससे भाई उसका गार्चम फेंट होते तो भाई बच गया। उसने ड्रैगन क्लॉ किया, फिर मैंने बोला भाई फेंट हो जा, बट उससे पहले उसने पोकेमोन स्विच करके गिरा टीना फेंक दिया भाई। मैंने बोला अब ये तो निपटाएगा भाई अपन को। फिर मैंने उसको अर्थक्वेक मारा, उसको लगा भी बट काफ़ी चूल्हे पर डैमेज पड़ा। मैंने शॉर्ट डांस किया, मैंने बोला भाई ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। उसने ड्रैगो मीटर किया, मैंने बोला गया अपन, ग्लाइड्सकोर पूरा फेंट हो गया भाई, शॉर्ट डांस नहीं करना चाहिए था। मैंने आर्कनाइन से ड्रैगन पल्स करवाया बट फिर भी उसको भाई थोड़ा सा डैमेज पड़ा। उसने ड्रैगो मीटर कराया, जिससे आर्कनाइन को भी थोड़ा सा डैमेज पड़ा। मैंने बोला अब टक्कर का मैच है। फिर इसके लिए मैंने ड्रैगन पल्स किया, उसने भी ड्रैगो मीटर किया भाई, और यहाँ पे भाई हम दोनों की एचपी काफ़ी खत्म हो गई थी। फिर मैंने एक और ड्रैगन पल्स किया, उसने भी एक और ड्रैगो मीटर किया भाई, जिससे आर्कनाइन भी फेंट होते तो बचा और गिराटिना भी ऑलमोस्ट फेंट हो गया था। उसने प्रोटेक्ट अटैक किया भाई, मैंने ड्रैगन पल्स मारा तो मिस हो गया प्रोटेक्ट की वजह से। फिर मैंने एक और ड्रैगन पल्स मारा भाई, जिससे वो फेंट होते तो 2-4-5 एचपी बच गया। उसने ड्रैगो मीटर किया भाई, आर्कनाइन भी 13 एचपी बच गया। फिर मैंने फ्लेम थ्रो करा दिया और गिराटिना फिर से बच गया भाई, उसने भी शैडो बॉल मार के मैंने आर्कनाइन को फेंट कर दिया। फिर मैंने भाई राइचू भेजा, राइचू से मैंने आयरन डील करा, जिससे गिराटिना फिर से 1-2 एचपी बच गया। उसने पेन स्प्लिट करके भाई एचपी ले ली मेरी, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ली। मैंने फिर से आयरन टेल मारा भाई, बट वो फिर से फेंड होते तो बच गया। मैंने बोला भाई ये फेंड नहीं हो रहा, क्या कर रहा है भाई। उसने शैडो बॉल जड़ दिया भाई, जिससे राइचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा। फिर उसने प्रोटेक्ट कर लिया एंड मेरा आयरन टेल मिस हो गया भाई। मैंने बोला ये निपटा देगा भाई अकेले ही। फिर मैंने मारा भाई, बट उसने स्विच करके सीमिन भेज दिया। सीमिन के ऊपर भाई लगा अपना आयरन टेल, उसको काफ़ी ठीक ठाक डैमेज पड़ा। उसने डैजल गेम करके भाई राइचू को फेंड कर दिया। फिर मैंने टैलेंट स्लेयर से फ्लाई अटैक कराया और यहाँ पे फ्लाई लगा और जैसे लगा उस सीमिन एक अटैक में फेंड हो गया। फिर गिराटिना आ गया, गिराटिना के ऊपर भाई मैंने ब्रेव बर्न मारा, जैसे फिर से वो बच गया भाई। मेरे भाई फेंट हो फेंट हो फेंट हो, उसने शैडो बॉल मार दिया। अबे भाई ये गिराटिना बहुत परेशान किया भाई, मैंने उसको एक्रोबेटिक से फेंड किया। फिर भाई मतलब मैं हिल गया था भाई, फेंट ही नहीं हो रहा है भाई। गार्चम के ऊपर मैंने फ्लाई किया बट उसने विड्रॉ करके टोगी किस भेज दिया भाई। और फिर से मैंने एक फ्लाई अटैक किया, उसने डैजल गेम मिस हुआ, फिर से फ्लाई लगा, बट यहाँ पे मेरे को लगा मैं गया, बट भाई टैलेंट फ्लेम बच गया। अगर टैलेंट फ्लेम फेंट होता तो मैं निपट जाता। फिर मैंने एक स्टील विंग मारा, जिससे टोगी किस फेंट हुई। एंड गार्चम के ऊपर भाई मैंने आते ही फ्लाई अटैक कर दिया, जिससे भाई फ्लाई मतलब हवा में जाकर अटैक नहीं लगा, फिर फ्लाई लगा, फिर वो फेंट हुआ। फिर इसी तरह मैंने सिंथिया को हराया। फिर उसके बाद से मैंने एक आइटम लिया, जिसका नाम तो नहीं पता चला बट वो आगे जाके हमें हेल्प करेगा, जो कि फिर यहाँ पे मैं लॉस्ट केव के अंदर आया। लॉस्ट केव के अंदर मेरे को चैंपियन हिलबर्ट मिला एंड हिलबर्ट से भाई मैंने बात वगैरह की, और हिलबर्ट ने भाई मतलब वो चैंपियन बाकी चैंपियंस को जानता है, ठीक है। तो ये हिलबर्ट अगर आपको पता ना हो भाई, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब शायद से ये लोग कहाँ से कालूस का चैंपियन है शायद से, या फिर सीनो रीजन का, मेरे को पता नहीं है भाई। बाकी इसके पास एक लैंड्रस था जो कि काफ़ी खतरनाक था, उसके लिए मैंने राइची को भेजा और आते ही स्ट्रगल खाना पड़ा राइची को। बट मैंने सोचा सर्फ अटैक मारती, और सर्फ अटैक मैंने मारा तो ये मतलब फेंट होते तो बच गया। फिर उसने स्ट्रगल मारा, फिर उससे रिकॉइल से खुद ही फेंट हो गया भाई। मैंने बोला ये पागल चैंपियन है। फिर उसका जैक्रोम आया भाई, जो कि काफ़ी खतरनाक है, आते ही उसने भाई फेंट कर दिया मेरे राइची को। फिर मैंने ग्लाइड्सकोर से भाई अर्थक्वेक करवाया एंड अर्थक्वेक से उसको काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा। उसने ड्रैगन क्लॉ मारा, जिससे ग्लाइड्सकोर को काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा, बट एक और अर्थक्वेक से भाई वो फेंट हो गया। फिर उसका थंडरस आया भाई, इसके पास तीन लेजेंडरी पोकेमोन बताओ, जैक्रोम, थंडरस, लैंड्रस।
इसके ऊपर भाई मैंने शॉर्ट डांस किया, मैंने बोला भाई इसको निपटा देंगे एक दो अटैक में, और स्ट्रगल कर रहा था इसके लिए, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया इसके लिए, मैं भाई शॉर्ट डांस कर लिया एंड फिर मैंने एक्रोबेटिक्स मार के उसके थंडर को निपटा दिया भाई। फिर यहाँ पे विक्टिनी आई, विक्टिनी के ऊपर मैंने अर्थक्वेक किया और अर्थक्वेक से भाई विक्टिनी भी निपट गई एंड देन फिर आया इसका जेनेसिस, जेनेसिस के ऊपर मैंने एक्रोबेटिक्स किया वो भी निपट गया एक अटैक में। फिर इसके बाद इसका केल्डियो आया जिसके ऊपर मैंने एक्रोबेटिक्स मारा वो भी एक अटैक में निपट गया। और इसी तरीके से भाई मैंने पोकेमोन ट्रेनर किया, पोकेमोन चैंपियन हिलबर्ट को हरा दिया भाई, और ये देख के उसको काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चलो कोई तो है जिसके अंदर दम है। बाकी गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप सो कि भाई आज की वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो सभी लोग लाइक कर देना। बाकी गाइस मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक गुड बाय, सब बी गो गाइस एंड हैव अ गुड डे।